हेलो फ्रेंड्स, आध्यास क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गर्मियों का सीज़न चालू है और हमेशा कुछ ठंडा पीने को मन करता है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं ठंडा आम पना। आम पना बनाने के लिए मैंने एक कच्चा आम लिया है, इसको अच्छे से धो लिया है और इसको कुकर के अंदर 3 सीटी आने तक पका लेना है। ये देखिए, एक अच्छे से पक गया है। इसका पानी निकाल के अलग से रखना है और एक बॉल में इसका पल्प निकालना है हमको। चम्मच से देखिए, ऐसे हल्के हाथ से थे, छिलका पूरा सॉफ्ट हुआ रहता है, वो छिलका भी अंदर आ जाएगा तो बहुत ही खट्टा टेस्ट आ जाता है, इसलिए सिर्फ उसका पल्प निकालना है। ये मैंने ज़रा ज़्यादा कच्चा वाला आम लिया है, आप चाहिए तो नॉर्मल जो आता है, थोड़ा सा कच्चा रहता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसका गुठली से भी पूरा ऐसे निकालना है इसको। अब ये जो पल्प है आम का, इसके बराबर या इससे ज़्यादा आपको कितना खट्टापन या मीठापन चाहिए उतना गुड़ लेना है। मैंने इससे तो खट्टा आम होने की वजह से ज़रा सा ज़्यादा लिया है, आपके हिसाब से आप ले सकते हो गुड़। 2 दिन हरी इलायची लिया है मैंने, इसका दाने निकाल के ऐसे ही जाइए क्योंकि इसको हम मिक्सर में पीसना है इसको, तो इसको बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहिए तो और भी मसाले डाल सकते हैं, जैसे कि काली मिर्च और जीरा, अजवाइन वगैरह। मैं तो एक नॉर्मल और सिंपल से ही रखती हूँ, इसको नमक डाल दिया है। आप चाहिए तो काला नमक का भी यूज़ कर सकते हो। एक मिक्सर के जार में मैंने उसको डाल दिया है। इसको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पल्प के अंदर पानी रहता है। को भी अच्छे से पीसना है। ये देखिए, अच्छे से इसका मिक्स तैयार हो चुका है। पूरा आम का पल्प, गुड़ और नमक, इलायची सब एक मिक्स हो गए हैं। इस मिक्सचर को आप फ्रिज के अंदर एयरटाइट जार में या बॉटल में कई दिनों तक रख सकते हैं। आपको जब भी चाहिए इसका 1-2 चम्मच इसमें डाल के, आपके हिसाब से कितना ग्लासेस आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अभी आम पना बनाते हैं। मैंने एक ग्लास लिया है। आम पकाते वक्त जो हमने पानी यूज़ किया था वो निकाल के रखा था मैंने, तो खट्टापन के लिए 1-2 चम्मच डालना है इसको। आप चाहिए तो इसको स्किप भी कर सकते हो, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। और उसके बाद 2-3 चम्मच ये मिक्सचर डालना है।
अब इसके अंदर चिल्ड वाटर डालना है। आप चाहे तो नॉर्मल पानी यूज़ करके उसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हो, ये एकदम ही ठंडा पानी है। इसको अच्छे से मिलाना है, इसको ऊपर से और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सब कुछ तो है इसके अंदर, नमक, गुड़, इलायची यूज़ किया है हमने फ्लेवर के लिए, तो यूजुअली कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ऊपर से चाहिए तो आप पुदीने के पत्ते से, जीरा पाउडर, काली मिर्च की पाउडर से सजा सकते हैं। ये लीजिए आप ठंडा आम पना तैयार है। तो दोस्तों आज का रेसिपी आपको अच्छा लगा ऐसे आशा करती हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी सारी रेसिपीज आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।